नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे पाए स्टूडेंट में। फिर से आ गए एक और रिएक्शन और रिव्यू वीडियो के साथ। तो चलो शुरू कर जाए और आज हम रिएक्ट और रिव्यू करेंगे नथुनिया पे गोली मारे, जो कि नीलकमल सिंह और शिल्पी राज का कोलैबोरेशन है। तो भाई तबाही ही होगा और काफी ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है ये गाना। मतलब 2 दिन पहले रिलीज हुआ और 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो चलिए रिएक्ट और रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या वाइब है, कैसा है ये गाना और कैसा लगता है हमें। चलिए इस बात को जानने के लिए एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को और चलिए हमारे साथ बिहार की उन गलियों में जहां हमारा दिल बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नथुनिया पे गोली मारे नीलकमल सिंह और शिल्पी राज का कोलैबोरेशन। भाई कान में पहन के हेडफोन, चला शुरू कर जाए नथुनिया पे गोली मारे शिल्पी राज और नीलकमल सिंह का कोलैबोरेशन। चलिए शुरू करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। दिस सीरीज प्रेजेंट्स भाई साहब। ओ भाई 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 भाई, मतलब स्टार्टिंग का जो बीट है ना, अभी 20 सेकंड हुए सिर्फ इस गाने को और स्टार्टिंग का जो बीट है भाई, मजा नहीं, मतलब मजाक नहीं, बहुत मजेदार है और काफी मजा देने वाला है। मतलब एकदम पूरा ओल्ड भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इसको ये बीट को सुन के मुझे अरविंद अकेला कल्लू जी का गाना याद आ रहा है, पुराना वाला गाना था। कौन सा गाना था, शायद समियाना में गोली, समियाना में चली समियाना में तोहरे चलते गोली वाला जो गाना है, उसका बीट का मुझे कुछ 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 सिमिलैरिटीज मुझे लग रही है, पर गाना काफी तगड़ा स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भाई साहब डिट्टो है भाई वो जो गाना था समियाना में गोली चले, ठीक है चली समियाना में तोहरे चलते गोली, वो गाना सुनना और इसको सुनना, मतलब सैंपल्स जो म्यूजिक के सैंपल्स होते हैं, जो मतलब म्यूजिक बनती है एक सैंपल्स पैक से, मतलब जो बीट हम सुनते हैं वो सैंपल, वो एक्चुअली बजाया नहीं जाता, उसका सैंपल पैक आता है, ठीक है वो सैंपल पैक को अरेंज किया जाता है और एक ट्यून में कन्वर्ट किया जाता है, एक प्रॉपर म्यूजिक में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो ट्यून जो सैंपल्स है एकदम डिट्टो मुझे चली समियाना का याद दिला रहा है, मतलब पूरा एकदम सेम वैसा ही वो क्या बोलते हैं तबला वबला एंड देन फिर वैसा ही आ आ वाला जो पीछे जो गोविंदा वाला स्टाइल है, वो सारी चीजें एकदम डिट्टो लग रही है भाई। मतलब अब गाना पता नहीं कैसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी है, बस सैंपल सेम यूज करें ताकि वो वाइब है। और काफी ज्यादा तुम तो जान ही रहे हो भाई, अगर तुम सुने हो चली समियाना में तोहरे चलते गोली, अभी भी ट्रेंड पे चलता है वो गाना, मतलब इतना तगड़ा गाना है वो, तो फिर भैया ये भी ट्रेंड पे ऐसे थोड़ी चल रहा है। चलिए आगे सुनते हैं। ओ भाई ओ भाई भाई भाई, मतलब भाई बजा कर मुझे काफी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है ये गाना को सुन के, क्योंकि भाई एकदम डिट्टो भाई अरविंद अकेला वाला वाइब है, कल्लू जी वाला वाइब है। और जिस तरीके से स्टार्ट करा है एकदम नीलकमल सिंह ने एकदम पावर के साथ, ठीक है वो पावर के साथ कि गर्दा उड़ा में तुहार मरदा एकदम पूरा हैप्पी टाइप से, और उसके बाद शिल्पी राज का जो ट्यून आया है वो भाई काफी ज्यादा मतलब एक ठहराव की तरह आया है और काफी मजेदार है। और वीडियो भाई मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्शन वीडियो है भाई, टी सीरीज के द्वारा बनाया गया, तो पैसे तो डाले ही गए होंगे और काफी ज्यादा बजट लगाया गया, पूरा एक्शन पैक, मतलब गोली बंदूक ये सब चल रही है, थार वार का जिक्र है और काफी अच्छा वीडियो प्रोडक्शन, काफी बहुत बहुत महंगा लग रहा है वीडियो, मतलब काफी पैसे खर्च करे गए हैं काफी ज्यादा नीलकमल जी का, मतलब इतना ज्यादा पैसा वाला वीडियो भाई, इनका प्रोडक्शन ही हाई रहता है क्या कहा जाए। चलिए आगे देखते हैं। ओ भाई साहब पूरा चा मतलब क्या बोलते हैं गन वन, इतना हैवी
एकदम मशीन गन चला दी है एकदम नीलकमल भैया, तो क्या बात है एकदम। ये नथुनिये पे गोली मारे, ये कौन सा गाना था, अरे कौन सा तो गाना था, लड़की कम अखियों से गोली मारे। हाँ अच्छा भाई, अखियों से गोली मारे भी तो सिमिलैरिटी हो सकती है, मतलब मुझे अभी याद आ रही है चीज, बट स्टार्टिंग में मुझे वाइब लगा वो क्या बोलते हैं कल्लू जी का गाना वाला, समियाना में गोली चले वाला जो है, उस गाने से मुझे थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी लगी थी, बट ये अखियों से गोली मारे वाला भी भाई उससे भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज डाले गए हैं। तो काफी ज्यादा सारी चीजों को मिला के कोम्बो बनाया गया इस गाने का, और गाना का कोम्बो अगर सही बन जाए ना तो एकदम बिरयानी वाला वाइब देता है, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाती है भैया। भेज बिरयानी अगर खाए हो तो एकदम मजेदार लगता है, और वही जब खिचड़ी बनती है तो उतना मजा नहीं आता, पर हम हैं बिहारी, हम खिचड़ी चोखा ही पसंद करते हैं। खैर खिचड़ी नहीं बनना चाहिए गाना, काफी अच्छा लग रहा है अभी तो। भाई पता नहीं भाई ये गाना, मतलब मैं जब सुन रहा हूँ ना, ये पूरा नया गाना है ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी या फिर कुछ अति लिया गया है, बट भाई जब गाना सुन रहा हूँ इतने सारी चीजों का रेफरेंस मुझे मिल रहा है, इतने सारी चीजों का रेफरेंस जिसका कोई हिसाब नहीं है। इवन कल्लू जी का जो लगाई दिया चुलिया के हुक राजा जी जो था उसका भी रेफरेंस मुझे फील हुआ ठीक है, फिर अखियों से गोली मारे वो तो है ही ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी, फिर समियाना में चले उससे भी सिमिलैरिटी। भाई कल्लू जी आप भी कुछ ऐसा बनाओ ना, जो पहले बनाया करता तो वही चीज बनाओ ना, क्यों अभी नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब आप एक टाइम तो जस्टिन बिबरिया थे भाई, वैसा ही बनो जस्टिन बिबरिया, क्या कर रहे हो। हालांकि नीलकमल सिंह और शिल्पी राज का जो आवाज है भाई वो जान डाल दिए इस गाने में, मतलब जिस तरीके से नीलकमल सिंह ने गाया है मतलब अलग ही लेवल का, जो पावर डाला है जिस तरीके से एकदम, मतलब तुम्हें फील नहीं होती, मतलब तुम कान में लगाते हो ना तुमको एकदम पावर वाली वाइब आती है, और जो शिल्पी राज ने जिस तरीके से उस पर चार चांद लगाया है, मतलब शिल्पी राज का क्या ही कहा जाए, हर तरफ उनका जलवा ही जलवा है भाई, मतलब हर तरफ पवन सिंह के साथ भी उनका जलवा, खेसारी लाल यादव के साथ भी जलवा, जिसके साथ भी वो मिल जाए मतलब जलवा होना ही है ठीक है। तो ये एकदम पूरा जलवा वाला गाना है, एकदम हार्डकोर बिहारी ट्रैक मुझे लग रहा है कि भाई एकदम सुन के मजा आ जाए, बिहार की गलियों में तुम खो जाओ, और उसी तरीके का ये ट्रैक है कि भाई एकदम तुम्हें लेके चली जाती है उस भोजपुरिया वाइब में, जहाँ पे तुम मतलब नाच तो ऐसा कि कहना नहीं है, मतलब समिया अगर ये समियाना में गाना चल जाए बराती उराती में तो भैया मतलब डीजे फट जाए, ऐसा वाला सीन है, मतलब ऐसा नचवा दे गाना, और काफी मजेदार गाना है, काफी मजेदार, मुझे तो अभी तक बहुत मजा आया। 3 मिनट पार हो चुके पर मुझे एक जरा फील नहीं हुआ कि 3 मिनट चल रहा है, और अभी जैसे मैंने अभी सुनना स्टार्ट किया तो भाई कंसिस्टेंसी में सुन रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक लेने का मन ही नहीं कर रहा भाई, ऐसा गाना है ये, बीच बीच में लेना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो फिर आपसे कैसे कनेक्टिविटी चलेगा। कमेंट जरूर करें हमारे लिए ठीक है, रिप्लाई भी करते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
तुहार है भैया। तो भाई साहब गाना हो चुका है खत्म। और गाना क्या गाना था भाई, मतलब क्या ही गाना था, क्या एनर्जी था, क्या वाइब था, मतलब पूरा एकदम मजेदार, एकदम तुमको नचवा दे ऐसा ट्रैक था ये। और काफी मजा आया मुझे शिल्पी राज और ये नील कमल का कोलैबोरेशन देखा, मतलब क्या कोलैबोरेशन, वो पंचेस जो बीच बीच में आए हैं, मतलब ले धड़ाक पहले नील कमल फिर शिल्पी राज, मतलब ऐसा कि भाई तुम्हें चैन ही ना मिले, तुम जब सुनो तो ऐसा लगे कि भाई क्या चल रहा है, पूरा एकदम गाने की मूवी चल रही है उस तरीके का वाइब है। और काफी अच्छे लाइंस भी काफी अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, मतलब तुम्हें मजा देती है गाना, ठीक है। हाँ थोड़े बहुत तुमको पुरानी वाली वाइब आएंगे, नॉस्टैल्जिक वाइब्स आएंगे, ठीक है। और अगर तुम ज्यादा भोजपुरिया सुनते हो जैसे कि मैं सुनता हूँ, ठीक है, काफी ज्यादा भोजपुरिया सुनता हूँ, तो इसीलिए तुमको रेफरेंस भी लगेंगे कि भाई चली समियाना में, या फिर लगाई दिए चोलिया के हुक राजा जी, या फिर अखियों से गोली मारे वाला वाइब। और काफी तगड़ा, मतलब सब चीज का मिक्सचर बना के जिस तरीके से एकदम बिरयानी बनाया गया, वाह, मतलब लाजवाब भैया लाजवाब। और काफी मजा आया, मुझे तो काफी मजा आया, मतलब 4.5 मिनट का गाना था पर एक जरा भी मुझे फील नहीं हुआ कि भैया ये 4.5 मिनट चला है गाना, मतलब इस तरीके से रफ्तार से शुरू हुई, रफ्तार पे जाके खत्म हुई। और जो एक मतलब छोड़ जाती है ना कि भाई इसको तो दोबारा सुनना है, ठीक है, इसको दोबारा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए सुनना है, और वो वाली वाइब तुम्हारे साथ रहती है। और तुम भाई रिपीटेड मोड पे ये गाना कितनी बार बजाओगे वो तो नहीं पता, पर मैं तो कम से कम 3-4 बार सुनने वाला हूँ ये गाना, ठीक है, शायद बजते ही रहे मेरे हर जगह, बजे कारों में, बजे घर में, बजे हर तरफ बजे ये गाना, क्योंकि भाई मजेदार है। अभी पता चला कि 5 मिलियन व्यूज इतनी जल्दी कैसे कमा रही है ये गाना, क्योंकि भाई इतना तगड़ा गाना है भाई, और शादी का टाइम है तो हर डीजे वाला भाई अभी यही गाना चल रहा होगा, ठीक है। अगर तुम रील्स वील्स बनाते हो तो इस पे जरूर ट्राई करो, क्योंकि काफी ट्रेंडी गाना है और काफी ट्रेंड जाने वाला है, ठीक है। मैं तो रील्स बनाने वाला हूँ इस पे, अगर अगर आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो, हालांकि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है लिंक्स में, चलो मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो और वीडियो की बात करें तो वीडियो काफी हाई बजट था, ठीक है, काफी पैसे लगाए टी सीरीज वालों ने, इवन एक स्टोरी भी चलती है, ठीक है, वीडियो के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गाना भी गाना ही चल रहा है, ठीक है। पहले जब स्टार्ट होता है जो लड़की को छेड़ा, ठीक है, उसी को जाके एंड में जाके उसका बदला लिया जाता है, और एट द एंड मतलब हीरोइन ने गोली मार देती है, ठीक है, क्या नीलकमल जी मारेंगे हम ही शूट कर देते हैं, वैसा वाला सीन है। वीडियो प्रोडक्शन काफी मतलब काफी हाई बजट था, ठीक है, अच्छा खासा पैसे खर्च करे गए हैं इस गाने में, ठीक है, इसीलिए ये गाना इतना ज्यादा वाइबिंग भी है इस तरीके का। मतलब देखो प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर को भी पता चल जाती है ना कि गाना भाई हाँ भागने वाला है, इसलिए पैसे डाल दो, क्योंकि भाई बहुत सारे पैसे आएंगे तो लपेट लो एक बार में, और वैसा ही गाना था ये। और मुझे तो काफी मजा आया, आपको कैसा लगा ये गाना जरूर बताना। और अगर चेकआउट करना है तुम्हें गाना तो इसकी भी लिंक, ये गाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो जाकर जरूर सुनना, ठीक है। थोड़ा कॉपीराइट क्लेम के कारण हम लोग वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन देखिए फिर जाके गाना सुनिए, क्योंकि भाई मजा आएगा रिएक्शन के साथ गाना सुनने में, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं हम अलविदा, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, एक और रिएक्शन, एक और नए भोजपुरी ट्रैक के साथ। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं अलविदा, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना, और नील कमल के फैन हो तो भाई छा दो मतलब वीडियो को व्यूज तोड़ डालो एकदम, 3-4 के तो इसी लेते आओ, काश लेते आओ, चलो लेते आना, ठीक है, इसके साथ लेते हैं अलविदा। चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर बाय।